नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उन इश्यू को डिस्कस करेंगे जो वर्तमान में चर्चा में बने हुए हैं। दोस्तों, यह वीडियो सीरीज आपको आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है सोफिया। दोस्तों, सोफिया का पूरा नाम है स्टेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों, यह नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का जॉइंट प्रोजेक्ट है। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला है जिसको बोइंग विमान में फिट करके वायुमंडल में भेजा जाता है। इसमें 2.5 मीटर का दूरबीन लगा है। दोस्तों, यह वेधशाला ब्रह्मांड का इंफ्रारेड वेवलेंथ का प्रयोग करके निरीक्षण करती है, जिससे कि अधिक से अधिक दूर तक देखा जा सकता है। दोस्तों, 2018 में इस वेधशाला के माध्यम से शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का निरीक्षण करने की योजना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सोफिया क्या है। यह नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का जॉइंट प्रोजेक्ट है। यह दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला है और दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो दोस्तों, अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। दोस्तों, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अदरक की 2 नई प्रजातियाँ खोजी है। ये प्रजातियाँ मणिपुर व नागालैंड में पाई गई है। मणिपुर में पाई जाने वाली प्रजाति का नाम कोलोकेम्फेरिया है, जो शिरुई पहाड़ियों की चट्टानी दरारों, पत्थर के टुकड़ों तथा ह्यूमस मिट्टी में उगती है। तथा नागालैंड में पाई गई अदरक की प्रजाति का नाम हेडेचियम चिंगमियानम है, जो ऊंचे पेड़ों पर उगती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। दोस्तों, यह न्यूज़ नारी पोर्टल से संबंधित है। दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं सरकारी योजनाओं और पहलों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेगी। इन सारी सूचनाओं को एक स्थान पर सुलभ कराने के उद्देश्य से नारी पोर्टल में महिलाओं के कल्याण के लिए 350 सरकारी योजनाओं से संबंधित व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई है। इस पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए महत्वपूर्ण लिंक भी दिए गए हैं। दोस्तों, नारी का पूरा नाम है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वीमेन। दोस्तों, नारी पोर्टल आप समझ गए होंगे कि क्या है। बेसिकली यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल। तो दोस्तों, चलते हैं अब अगली न्यूज़ पर। यह है ई संवाद पोर्टल। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एनजीओ और सिविल सोसाइटी को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जिससे वे मंत्रालय से सीधा संवाद स्थापित कर सके। दोस्तों, इसके माध्यम से एनजीओ व सिविल समाज अपने सुझाव, शिकायतें, प्रतिक्रिया इत्यादि मंत्रालय तक पहुँचा सकेंगे। तो दोस्तों, याद रखना ई संवाद क्या है। ई संवाद पोर्टल एनजीओ और सिविल सोसाइटी को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिससे वे मंत्रालय से सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मेघालय में एक ब्लाइंड फिश की नई प्रजाति खोजी है। इसका नाम सिस्टुल लार्के टेंसिस है। दोस्तों, यह प्रजाति एक गुफा में खोजी गई है। लगातार अंधेरे में रहने के कारण ही इवोल्यूशन की प्रक्रिया में यह मछली की प्रजाति ब्लाइंड हो गई है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, यह मछली की प्रजाति मेघालय में खोजी गई है। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। दोस्तों यह न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश को 2 अक्टूबर 2019 की राष्ट्रीय निर्धारित सीमा से पहले ही खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, अक्टूबर 2017 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया था। दोस्तों, इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। दोस्तों, विजय केशव गोखले होंगे भारत के नए विदेश सचिव। दोस्तों, वरिष्ठ राजनयिक विजय केशव गोखले को भारत के विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वे एस जयशंकर का स्थान लेंगे। श्री गोखले ने जर्मनी, चीन में भारतीय राजदूत और मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। वह विदेश मंत्रालय में वर्तमान सचिव हैं। दोस्तों, ये है नेक्स्ट न्यूज इसराइल से संबंधित। दोस्तों, इसराइल ने यूनेस्को की सदस्य
सदस्यता छोड़ने की पुष्टि की है। दोस्तों, इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूनेस्को की सदस्यता से हटने के लिए नोटिस दायर किया है। इजराइल ने हाल ही के वर्षों में ईस्ट जेरूसलम के इजराइल के कब्जे और 2011 में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता देने के निर्णय के संगठन की आलोचना पर यूनेस्को को छोड़ दिया है। दोस्तों, इजराइल 1949 में यूनेस्को का सदस्य बना था। इजराइल और अमेरिका दोनों ने अक्टूबर 2017 में स्वयं के वापसी का नोटिस दायर किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।